एड एक फ्रेज है, सुना आपने, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। पहले हम समझते हैं एड क्या है, क्या होता है एड। जैसे कभी भी किसी को कोई परेशानी आ जाती है, जैसे कभी COVID-19 ही आया था तो गवर्नमेंट ने लोगों को एड दी थी, किस फॉर्म में, कोई पैसे की फॉर्म में या राशन की फॉर्म में या किसी भी तरीके से उसको घर घर पहुंचाई गई थी। तो ऐसे फर्स्ट एड मींस प्राथमिक सहायता, हमें कोई भी जब आपदा आती है तो हम क्या चाहिए, हमें फर्स्ट एड चाहिए। ऐसे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं कोई इंजरी हो जाती है, घर में छोटा सा कट लग जाता है, कहीं गिर जाते हैं, हम फर्स्ट एड पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले हम क्या करते हैं, घर में ही फर्स्ट एड करते हैं। घर में कोई कहता है इसको हल्दी लगा दो, कहीं कट लग गया है, कोई कुछ स्प्रेड लगा देता है, जो हमारे पास अवेलेबल है घर में, कोई ऑइंटमेंट कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। कोई ऐसे ऊपर उसके ऊपर कोई बैंडेड लगा देते हैं। तो ये तो फिजिकल फर्स्ट एड आ गई, अगर फिजिकल प्रॉब्लम हुई है हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक है मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, अगर हमें मन में कोई चोट लगी है तो उसकी फर्स्ट एड कैसे करनी है, वो दिखेगी नहीं ना। आपके किसी सहपाठी को, किसी आपके फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को कोई मानसिक प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए फर्स्ट एड पहले तो हमें पता चलनी चाहिए। पता चलने के तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका बिहेवियर चेंज होगा, आप समझ गए मेरा जो एक फ्रेंड है ये ऐसा नहीं था, अब ये बात काम कर रहा है, क्या वजह हो सकती है, आप जो ज्यादा बोल रहा है जो भी कारण है, अब जो हंसते रहता है, अब जो आंख नहीं मिलाता है, कई वजह हो सकती है। तो आपने समझ जाना है इसको कोई क्या है, मानसिक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उसकी चिंता को, उसकी डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमने क्या करना है, उसे बात करनी है, उसकी आंख में आंख मिला के बात करो, उसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है बातों बातों में, क्योंकि वो अपने दोस्त से सबसे पहले शेयर करेगा। तो उसको आपने और उकसाना नहीं है, क्या हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी उसका मजाक लेते हैं, किसी को कोई चिंता है हम उसका मजाक लेंगे, जी देखो उसको क्या हो गया है, वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। उस टाइम उसका मजाक नहीं लेना है, उस टाइम उसको क्या करना है, सहानुभूति देनी है, उसे बात करनी है, उसके जो परेशानी है उसको जानने की कोशिश करनी है। उसकी फर्स्ट एड यही है कि उसे बात की जाए, उसे उसके तकलीफ को जाना जाए। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से वो बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट सर देखते हैं, कई बार मान लो कोई बैट्समैन है उसे स्कोर नहीं हो रहा है, हम बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको क्यों टीम में रखा है, ये क्या कर रहा है, कितने अच्छे लड़के बाहर बैठे हैं, बातें करते हैं ऐसे। लेकिन क्या पता वो चार मैच के बाद सेंचुरी कर जाए, मैन ऑफ द मैच ले जाए, हम वो पिछले चार मैच उसके भूल जाते हैं और उसको हौसला, उससे क्या, उसके टीम मेंबर ने उसको क्या दिया होगा, क्योंकि अगर चार मैच में फेल होने के बाद भी उसको पांचवे में रखा गया है, दैट मींस उसमें कुछ है, उसको उसको उस पर उन्होंने क्या किया है, उस पर उन्होंने विश्वास किया है कि ये ठीक कर सकता है। ऐसे ही हमें कोई परेशानी अगर मानसिक है तो हमने अपने ऊपर विश्वास रखना है हम ठीक कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट में क्या परेशानी हो सकती है, जैसे मुझे लर्न क्यों नहीं होता है, मैं रिवाइज करो बार बार, मुझे कई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो हम शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने पेरेंट के साथ या अपने साथियों के साथ, उसके लिए टीचर जो है, आप अपने टीचर के पास आइए, उसे बात करिए कि मुझे ये परेशानी है, जहाँ समझ काम आ रही है, जहाँ मुझे घरेलू प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई घर में। मेरे एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था कि मेरे पेरेंट्स जो है रोज टीवी ऑन करके रखते हैं, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी ऐसा करते हैं। मैंने उसको कहा जी चुप चुप रहता है बच्चा, ये सबसे डिफरेंट क्यों है, उसके पेरेंट्स आते हैं जो पढ़ता नहीं है, जी नहीं करता, बोली करता। बच्चे को मैंने दो चार दिन उससे बातें करता रहा, उसे पूछता रहा, आखिरकार उसने एक दिन मुझे शेयर कर दिया, सर मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद ही मूवी देखने चले जाते हैं, मुझे साथ में नहीं ले जाते। ये रियलिटी में बात बता रहा हूँ आपको, ये मेरे मंडाल फ्लाई स्कूल की बात है। वो कभी घूमने चले जाते हैं, मुझे कहते हैं घर पर बैठ के पढ़ो, फिर मैंने उसकी प्रॉब्लम समझ गया।
मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया कि जब अगर आपने घूमने जाना ही है तो उसके साथ ले जाओ। इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पढ़ता नहीं है, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग इसको टाइम नहीं दे पाते हो। मीन्स हर प्रॉब्लम का क्या है, हल है। केवल हल हमारे पास होता है पर हमें पता नहीं होता। हल है हमारे पास पर हमें उसका पता नहीं है। उस हल को कैसे पता चलेगा, अगर हम किसी से बात करेंगे। अगर आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मन में कोई बात बैठ गई है, तो आपने उसका हल सोचना नहीं है, उसका हल बात करना है। हर बात में पॉजिटिव चीज को ढूंढो। हर एक प्रश्न को पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप चाहते हैं मुझे आइसोलेशन चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए समय चाहिए, मेरे पास कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इवन खाना खाने के लिए अगर मदर बोले तब यार कहते हैं मुझे क्यों बुला रहे हो। उसी दिन आपके कोई रिलेटिव आ जाते हैं, आप वो तो आए हैं, खुशी की बात है, लेकिन आप उसको क्या लेते हो, जी देखो जी अब इनको आज ही आना था क्या, मेरा तो पेपर था, आप क्या करूंगा मैं। अब इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव उसको उसको अपने पास बैठा लो, उसको बोले मैं लर्न कर रहा हूँ, आप मेरे से सुनोगे प्लीज, मैं पढ़ता हूँ आप मेरे से रिवाइज करवाओगे, मैं लिखता हूँ क्या मेरी गलती ढूंढोगे। ये तरीके हो सकते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आप क्या, आपको पता है कि जी वो चीज़ अच्छा बनाता है, क्या मुझे पकौड़े बना के खिलाओगे, वो किचन में भेज दो उसको। के तरीके होते हैं उसको पॉजिटिव ढूंढने के। तो हर बात में पॉजिटिव ढूंढो उसको, अदरवाइज मत लो कि जी आ गया है तो हमारे यहाँ तो पढ़ाई खराब हो गई। उसी में आप कुछ ना कुछ ढूंढ के अपने पढ़ाई का साधन निकाल लो। ऐसी कई बातें होती हैं जो बड़े आराम से ठीक हो सकती हैं अगर हम उसको इनिशियल स्टेज पर ही सॉल्व करने की ट्राई करें। तो वो कब पॉसिबल है, अगर हम बात करें। तो इसलिए मेरा आपको यही मैसेज आज के लिए कि कोई भी किसी के माइंड में किसी किस्म की दुविधा है, पढ़ाई के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, रिश्तेदारों के रिलेटेड, कोई भी जब पर्सनल है, आप उसको बता भी नहीं रहे हैं और मन में सोचे जा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, वो और बड़ा रूप लेते जाएगी और एक दिन विस्फोट बन के बाहर निकलेगी। तो बेटर है अभी हम उसकी बात क्यों ना कर लें, अपने फ्रेंड से करो जिससे आप ज़्यादा क्लोज हैं, अपने टीचर से करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपने रिलेटिव जिसको आप समझते हैं कि जी मेरा शुभ चिंतक है, उससे बात करो, उसके विषय में हल निकल जाएगा। लेकिन बिना बात के हल पॉसिबल नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मान लो कोई सीक्रेट बात किसी बच्चे ने या किसी भी ह्यूमन बीइंग ने एक टीचर को बताई, या किसी अपने क्लोज फ्रेंड को बताई, या किसी रिलेटिव को बताई, या पेरेंट्स को बताई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी सीक्रेसी रखना। उस बात को जो सीक्रेटली आपको शेयर कर रहा है, आपने कभी भी उसको किसी के साथ उसकी बात को बताना नहीं, आगे सीक्रेट रखना है, गोपनीय रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उस बात को जो सीक्रेट आपको बता रहा है आपने किसी थर्ड पर्सन को बता दी, उसको पता चल गया मैंने इसको बताया था, उसको कैसे पता चल गया, वो आगे से आपको भी बताएगा। तो जो आपको अपना समझकर अपनी कोई सीक्रेट बात, अपने मन की बात बता रहा है, चाहे टीचर को बता रहा है, फ्रेंड को बता रहा है, या किसी रिलेटिव को बता रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी सीक्रेसी को मेंटेन रखना। उसने अपना समझ के अपने दुख तकलीफ, अपने मन की बात जो काफ़ी दिनों से जुकट रहा था, नहीं बता रहा था, वो आपको बताई है। अब आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस बात को फैलाना नहीं है, उसको क्या रखना है, गोपनीय रखना है, सीक्रेट रखना है। तभी अगर आप उसका विश्वास बनेगा, आज आप उसको, उसने आपको एक बार बताई है, अगर आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे वो कल आपको और बातें भी बताएगा। लेकिन आज उसकी सीक्रेसी को आपने लूज कर दिया, किसी को बता दिया, कल से वो आपको जो पहले बताया वो तो छोड़ो, कुछ नहीं बताएगा और कोई बात शेयर नहीं करेगा। तो छोटी छोटी बातें, तकलीफें हर किसी को हो सकती हैं, परेशानियां हर किसी को आ सकती हैं, तो उन परेशानियों से भागना नहीं है, उसमें पॉजिटिव ढूंढना है। अगर पॉजिटिव ना मिले तो किसी से बात करनी है, ताकि वो बड़ा भयंकर रूप ना ले ले। बात करने से क्या होगा, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, वहीं पर उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो आपने परेशानी को बढ़ाना नहीं है, उसका सलूशन ढूंढना है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अभी जैसे 11th का रिजल्ट ही आया है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रीअपीयर आ गए हैं, तो वो उनके मन में क्या है, स्कूल जाएं या ना जाएं। आप स्कूल आइए, पढ़िए, आप दिखा दें, आप पढ़ के दिखाइए बच्चों को, उसका हल क्या है, उसका सलूशन क्या है। हमें और मेहनत करनी है, हमें
जो 12वीं में आए हैं उनके साथ ही 12वीं में अपीयर होना है हमें, और मेहनत करके फाइनल एग्जाम में पास होकर दिखाना है जी, उसका हल है। घर बैठ जाना जहाँ उससे भागना उसका हल नहीं है। ऐसी क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे फेलियर्स हैं उनको सक्सेस बनाना है हमने, उनके मन में उसकी भावना कोई बना के दबा के बैठने जाना है, वो उसका हल नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप, अगर आपकी कोई भी तकलीफ है, दुख है, किसी किस्म की चिंता है, डिप्रेशन है, फैमिली प्रॉब्लम है, आप किसी भी तरीके से किसी भी टीचर के पास आके वो जहाँ किसी भी अपने फ्रेंड के शेयर करेंगे सो दैट उसका हल निकले, ना कि वो और बड़ा भयंकर रूप ले ले। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पर खड़े उतरेंगे, कर सकता हूँ उम्मीद जी। थैंक यू वेरी मच।